वो कैमरे को स्वागत है किधर है सरपति बस एक बार ना पोजीशन देखो लाइट चालू हो तो चालू ही रहो भाई प्री लाइट काउंटर ना पूरा प्री लाइट बंद करूं आई विल टेक दिस नो नो कम अरे बोल दो तो ऐसे ही नो नो ही को लाइट लाइट नहीं है लाइट दे यस bypass road muhurat shot today with Mr. Madan Paliwal himself. Thank you. Wish us luck and thank you. Dad, come na. You also come. You are an expert in rapping. Come, let's see your plan. Mirage Creations, NNM Films, Bypass Road, produced by Madan Paliwal, directed by Naman Nitin Mukesh, DOP Fasad Khan. Mahurat Shot. Moria! Ganpati Bappa! Moria! Ganpati Bappa! Moria! आरती की थाली दे देना Oh.
I have a pizza on your left, all of you. Thank you. Thank you. Camera picture. Pictures of you also. Yeah. Can you check it on? Yeah, पीछे ना उधर पीछे ना कौन पीछे लेफ्ट सर सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गणपति जी की कितनी महत्व है आपके आपके जीवन में. ये सवाल का जवाब कैसे दें? कितनी महत्वपूर्ण कितना कितना मानते हैं आप गणपति जी? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इतना मानते हैं कि इसका इस सवाल का जवाब का एक्चुअली हम जवाब दे ही नहीं सकते. बगैर इनके तो मुकेश परिवार में हम कुछ मानते ही नहीं, यू नो. तो लाइक दिस इज़ द 25th ईयर ऑफ हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ऑफ अस लुकिंग आफ्टर हिम, ऑफ हिम बीइंग one of the members of this family, so there's no doubt of the fact that he means a lot to us. The world. He means the world to us. This year being very special because now he's 25 years old, and every year he brings with him something even more special for the Mukesh family and for all of us. I remember many years ago, about 11 years ago, when I started off my career, right during Ganesh Chaturthi only, I started off with Johnny Gaddar. And all these years later, now we are starting off with our home production, NNM Films, in which Naman's going to be directing his debut film. So, and today we had the Muhurat shot, so it means a lot that 25 years of Ganesh Chaturthi in the Mukesh family, three generations of, you know, of the Mukesh family have always catered to you, Papa, Dadun, now Naman, now me, Naman. So we are very excited, and yeah, we are looking forward to also an entrant of the next generation into the Mukesh family. जिस तरह से गणपति जी का आगमन हुआ है, उसी तरह से आज आपकी प्रोडक्शन स्टोरी में रखना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, बेहद खुशी हो रही है ये कह के कि आज हमें ये मौका मिला और कि हम हमारा पहला मुहूर्त शॉट जो है गणेश चतुर्थी में ही करें और घर पे करें और पहला शॉट इनका लें, ताकि ये एक याद जो है हमेशा के लिए, यू नो, इट मींस अ लॉट टू ऑल ऑफ अस एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. नमन एंड आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 4 years रिलीजियसली एंड वी वांटेड टू मेक श्योर दैट इट हैपेंस करेक्ट. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, वेरी एक्साइटेड अबाउट अनाउंसिंग द फिल्म. इट्स अ इंटरेस्टिंग फिल्म, क्योंकि मैंने लिखी है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में और प्रेजेस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर लगेगा कि खुद ही के, यू नो, खुद ही का ढोल पीटे जा रहा है. बट आई एम वेरी प्राउड दैट नमन्स मेकिंग हिज डेब्यू एज एज अ डायरेक्टर. ही इज प्रूव्ड हिज मेटल टाइम अगेन, यू नो, दैट ही कैन हैंडल अ फिल्म. बहुत मुश्किल है एक फिल्म बनाना. एक्टिंग करना बहुत शायद आसान है, वो 10 साल से किए जा रहा हूँ, तो अब जब मैं दूसरे साइड से देखता हूँ तो एहसास होता है कि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है.
जो टेंट्रम्स एक एक्टर अपने साथ रख सकते हैं एज एन एक्टर एक सेट पे कि अच्छा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब हम एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर यू कांट डू दैट. एंड एज अ क्रिएटिव मैन ऑल्सो यू हैव टू सी इन टू सो मेनी एस्पेक्ट्स. सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड दैट वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. मिस्टर मदन पालीवाल हैज गिवन अस दिस चांस टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी विद मिराज. एंड मदारी पिछले साल जो आई थी फिल्म इरफान सर की, उसके बाद मिराज की एक एसोसिएशन हमारे साथ है. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी प्राउड. ओके सर, आपके लिए तो काफ़ी प्राउड दिन होगा आपके लिए जी, और बहुत बड़ा दिन होगा जहाँ एक मॉरल शॉट भी और साथ ही 25 साल जैसे नील सर ने कहा. गणेश जी हमारे घर प्रथम पूजित होते हैं और सर्व प्रिय देवता हैं. 25वां वर्ष है, हर वर्ष जो कुछ भी हम मनोकामना करते हैं वो पूर्ण करते हैं. बरसों से था मेरा बच्चा छोटा वाला बेटा डायरेक्टर बने, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है. और बता दूं मैं कि 3-4 साल पहले लोग कहते थे आप क्या मांग रहे हैं, मैं कहता था कि मैं चाहता हूं कि नील की शादी हो जाए. फिर जब नील की शादी हो गई तो फिर पूछते थे पत्रकार कि अब क्या, तो मैंने बोला शादी के बाद जो अगर मांगता है एक बुज़ुर्ग वो मांगूंगा. और आज आपको मालूम है कि अभी आज गणेश चतुर्थी है और हमारे बहुरानी एनी टाइम गुड न्यूज़ दे सकती है, नील जी पापा बनने वाले हैं. आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ा दिन होगा आज के लिए. हाँ बिल्कुल, एक्चुअली 25 साल से जो हम त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसी दिन पे लाइफ का अगला पड़ाव जो हम ले रहे हैं. Having it on the same day is one of the proudest feelings I can experience. Okay, ये मूवी में अदा शर्मा की भी नाम आ चुकी है, वो लीड कर रही है आपके साथ, तो अदा शर्मा को भी आपने क्यों चुना, कोई स्पेसिफिक रीजन? See the genre of the film by now, if you've seen the logo also, is it's a thriller. So we needed an actor who can blend in both ways because it's a thriller which practically every character's got shades of grey. So we wanted actors on board who can very convincingly play what I've been playing for 10 years. So I think Ada fits the bill beautifully because A, she's brilliantly talented an actor. She's a great mimic. She's a great dancer. She looks the part. She's young. She's vivacious. The character that she has of playing, you know, a fashion intern in the film. Automatically as an actor she can layer it and make sure that all these aspects come across. So I think she's the perfect choice also. Okay, sir, personally जानना चाहूँगा, as a brother आप कितने nervous हैं, आपकी भाई debut कर रहे हैं as a director, आपकी first venture movie या partner house? I think I'm more nervous than him. I've been having sleepless nights. ज़्यादातर जब मैं एक film शुरू करता हूँ उसके 10-15 दिन पहले से ही मैं अपने preparation में उतर आता हूँ, चाहे body हो, स्लीप हो, एक रूटीन में. इस फिल्म में ना मैं अपने बॉडी पे कंसंट्रेट कर पाया हूँ, ना खाने पे, ना अपने स्लीप पे. बट आई थिंक इट्स आल्सो नर्वस बट हैप्पी नर्वस एक्साइटमेंट एंड यू नो जस्ट ऑल ऑफ दैट कमिंग टुगेदर बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर नॉट फॉर जस्ट हिम और फॉर द फैमिली, आई वांट टू मेक श्योर दैट वी मेक अ गुड फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द ऑडियंस स्पेशली. बिकॉज पहली बात तो एक ये ऐसा जॉनर है जो शायद पहली बार हिंदुस्तान में बनने जा रहे हैं. ये जॉनर हॉलीवुड और वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट होम इन्वेजन्स. अब होम इन्वेजन पे फिल्में हिंदुस्तान में इतनी बनती नहीं है और शायद बनी ही नहीं है. तो जब एक होम इन्वेजन फिल्म आप बना रहे हैं हिंदुस्तान में तो, और वो भी पहली बार, देन यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी ऑफ अ सर्टन लेवल. और क्योंकि लिखी मैंने तो फिर आई वॉन्टेड टू मेक श्योर के यू नो ज़्यादा जूते ना पड़े कि एग्जीक्यूट अब ये अच्छे से कर ले. और बस आप सभी को एक यू नो अच्छा और एक अच्छी फिल्म हम बना के दें. ओके सर, लास्टली आपकी एक और एक मूवी आ रही है इश्किया जो 6 साल बाद आ रही है. सो डू यू थिंक वो इफेक्ट है क्योंकि पहली मूवी और अभी की बहुत डिफरेंट हो चुकी है? 6 साल में आज टेक्नोलॉजी इतना बदल जाता है, you know, but I wish the team all the very best. Very honestly, I wish them all the very best. Because ek film atakna ek artist ke liye, ek director ke liye,
यानी यू हैव सो मेनी मेमोरीज, इतना एक कोई इतनी मेहनत करता है उसके बाद अगर फिल्म नहीं आती है किसी रीज़न से, और इनकी रीज़न्स बहुत ही पर्सनल थे जिस वजह से ये फिल्म नहीं आ पाई, तो यू कॉन्ट इवन हैव एनी ग्रजेज अगेंस्ट दैट. अब आई जस्ट विश देम ऑल द वे बेस्ट. जब बनाई गई थी कहानी बहुत ही बेहतरीन थी, लोग बहुत ही प्यारे थे उस समय, और काम भी बहुत अच्छे से हम सभी ने किया था. अब आप उस फिल्म को आज के फिल्म से अगर हम कंपेयर करें तो दैट विल बी अनफेयर ओनली बिकॉज टेक्निकली थिंग्स हैव चेंज्ड. उस समय गिम्बल नहीं हुआ करता था, आज गिम्बल्स हैं. आज हमारी मूवमेंट्स और फ्लूडिटी इतनी अच्छी हो गई है, उस समय वो शॉट टेकिंग ऐसा होता ही नहीं था, तो वो अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा. बट आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई wish the entire team all the very best. For sure. Wish you all the best for the movie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.